हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं निशा आपके इस खूबसूरत से चैनल टाइटेनियम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम शुरू करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पिरेशन के बारे में जानेंगे कि रिस्पिरेशन है क्या और ये पूरी सिस्टम कैसे होती है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। उससे पहले ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, अमीबा, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पिरेशन है क्या। तो चलिए देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसको बताने से पहले बच्चों देखिए, पहले हम लोग कहाँ रहते हैं? एनवायरनमेंट में। अब देखिए, एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ हम अपने एनवायरनमेंट से क्या चीज़ टेक करते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग लेते क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जाती कहाँ पे है? लंग्स में। ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। अब लंग्स से वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? तो वो जाती है ब्लड में। स्ट्रक्चर के साथ हम पूरे सिस्टम को देखेंगे। तो एनवायरनमेंट से हमने क्या टेक किया? एनवायरनमेंट से हमने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ये जाएगी लंग्स में। लंग्स से कहाँ जाती है? लंग में। बच्चों, जब हार्ट क्या करता है? अपना ब्लड भेजता है लंग्स में, और लंग्स में ब्लड आता है तो लंग्स के अंदर कौन आया? देखिए ध्यान से, ये सपोज मतलब लंग्स हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पर आई? लंग्स में आ गई। और लंग्स में और कौन आया? ब्लड आए थे। कहाँ से आते हैं? हार्ट से आते हैं। तो हार्ट से यहाँ पे ब्लड आए, और ये क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है, जो लंग्स में था, ब्लड भी आया, तो ये दोनों क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। यानी ऑक्सीजन जो होता है किसके साथ मिल जाता है? ब्लड के साथ। तब यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन को हम जब टेक करते हैं तो ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। लंग्स से आगे कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी। ब्लड में मिक्स हो गई। अब ब्लड से क्या जाएगी? ये ब्लड जो होगा पूरे बॉडी के टिश्यू में टहलेगा, छोटे छोटे सेल पार्टिकल्स में टहलेगा। तो ये क्या करता है? ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को लिए हुए, ऑक्सीजन को ले करके ये आगे कहाँ जाएगा बच्चों? टिश्यू में जाएगा। टिश्यू में पहुँचा और टिश्यू से कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पे पूरा पहले स्ट्रक्चर बना के अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में हो क्या रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन लिए। ऑक्सीजन कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स से फिर कहाँ गया? ब्लड में। ब्लड से वो कहाँ जाएगा? टिश्यू में। और टिश्यू से कहाँ गया? टिश्यू से ये ब्लड अब सर्कुलेट होंगे, पहले टिश्यू में पहुँचे, टिश्यू से फिर छोटे और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में पहुँच गए, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? सेल। तो सेल में पहुँच गए। अब सेल में, यहाँ देखिए, सेल जो होती है, सेल के अंदर क्या होते हैं? बॉडी में होती है यहाँ कार्बन, और इसके अंदर आया कौन? सेल के अंदर ब्लड के थ्रू, ब्लड के साथ कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। और ये मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? तो ये मिलकर कार्बन और ये मिलकर क्या बनाते हैं? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो होता है सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हुआ, पहले कौन आया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आए किसमें? सेल में। सेल में आने के बाद ऑक्सीजन कार्बन से मिले और क्या बना लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। आप हमेशा सोचते होंगे हम लोग लेते क्या हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं बट एग्जिट क्या करते हैं? छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती कहाँ है? तो वो कहाँ पर बनती है बच्चों? इन दी सेल। कहाँ बनती है? सेल के अंदर बनती है। और सेल में जो ऑक्सीडेशन होता है, सेल में ये बनता है, तो सेल में बनने की प्रोसेस, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये बनने की प्रोसेस ही क्या होती है? रिस्पिरेशन। मतलब रिस्पिरेशन क्या होती है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। ये प्रोसेस क्या होती है? रिस्पिरेशन होती है। मतलब सीधा से सिंपल से एकदम आसानी समझेंगे कि रिस्पिरेशन कहाँ पर होती है, तो रिस्पिरेशन कहाँ होती है? सेल के अंदर होती है। अब ये जितनी प्रोसेस सेल के बाहर हो रही है, ये रिस्पिरेशन नहीं है, ये क्या बोला जाता है? इसको ब्रीथिंग। आउट ऑफ सेल होगी अगर, जैसे टिश्यू में, ब्लड में, लंग्स में, और ये लंग्स तक है, तो ये क्या होगी? ये ब्रीथिंग बोला जाएगा, ब्रीथिंग की प्रोसेस हो रही है। बट जो सेल के अंदर हो रहा है, जो मैकेनिज्म, जो प्रोसेस सेल में चल रही है, वो क्या होती है? रिस्पिरेशन। अब यहाँ से देखिए, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर? सेल के अंदर।
अब सेल से फिर ये आगे चला जाएगा और कहाँ जाएगा, अब ये फिर जो है टिश्यू में जाएगा। सर्कुलेशन होता रहता है ना, ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, और जो ऑक्सीजन हमने लिया था ये किस में मिल गया, ब्लड में, ऑक्सीजन ब्लड में मिले रहते हैं, तो ये टिश्यू में आया। टिश्यू अब ये कहाँ जाएगा आगे, टिश्यू से ये ब्लड इसको लेकर जाएगा आगे कहाँ तक, फिर ब्लड जाता है कहाँ जाएगा, लंग्स में। ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ऐसे मूव होता रहता है, ऐसे जाता रहता है, तो ये क्या हुआ, लंग्स में पहुँच गया, और लंग्स से अब एग्जिट हो जाएगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, और कहाँ पर एग्जिट होगा, इन्वायरमेंट में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पूरी प्रोसेस हम क्या देखें, हम इन्वायरमेंट से अपने चारों तरफ से क्या लेते हैं, जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट से हम क्या लिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ ली गई, लंग्स में। लंग्स से कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर क्या आते रहते हैं, ब्लड आते हैं। कहाँ आते हैं, हार्ट में, हार्ट से आते रहते हैं, अभी आप आगे देखेंगे, तो हार्ट से आते रहते हैं, पूरा हार्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी। हार्ट से ब्लड आता है, अब ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को ले लेता है, और ले करके ये किसके अंदर आ जाता है, टिश्यू में। टिश्यू से फिर कहाँ गया, ब्लड, और स्मॉलेस्ट पार्ट में जाएगा, कहाँ पर, सेल में। सेल के अंदर क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन से मिला, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, टिश्यू में, और टिश्यू से कहाँ, ब्लड, ब्लड से कहाँ, लंग्स, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो हमने क्या देखा, क्या समझ में आया कि आउट ऑफ अगर सेल हो रहा है, सेल के अंदर नहीं हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है, तो ब्रीथिंग है बच्चों, रिस्पिरेशन नहीं। और सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, जो मैकेनिज्म सेल के अंदर हो रही है, वो कौन सी प्रोसेस होती है, रिस्पिरेशन होती है। तो हमें क्या देखना है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम कैसे है, इसका मैकेनिज्म कैसे है, कैसे पूरी प्रोसेस, इसको देखेंगे। देखिए बच्चों, बात कर रहे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम की, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम है क्या, रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान। अभी हमने देखा ना, क्या देखा, ऑक्सीजन आई, किससे मिली, कार्बन से, क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ गैसों, सेल के अंदर गैस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, गैस क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, बदल गई। तो वही चीज़ हमें देखना है, कह रहा इन द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द बॉडी कॉल्ड रिस्पिरेशन। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर गैसों का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, गैसें क्या हुई, एक्सचेंज हो गई, बदल गई, और गैस बदली तो उस प्रोसेस को क्या कहा गया, रिस्पिरेशन, स्टेज ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के कितने स्टेज हैं, तो ये दो पार्ट है बच्चों, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, इंटरनल रिस्पिरेशन, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, बाहर, बाहर से रिस्पिरेशन, बाहरी श्वसन। अब बाहर कैसे श्वसन होगा, हम लोग क्या करते हैं, जैसे सांस ले रहे हैं, अभी हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, या सपोज हम बात कर रहे हैं, आपसे टॉकिंग कर रहे हैं, आपको रीड करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वॉइस को अब तक पहुंचा रहे हैं, बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो हमारे क्या लग रही है, एनर्जी, मतलब हमारी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में क्या हो, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन टेक प्लेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होती है, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होती है, मतलब एटमॉस्फेयर के बीच में है। आगे कह रहा है, इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस होती है, मैकेनिकल। फिर क्या बोल रहा है, इन द प्रोसेस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। इस में क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है, एनर्जी खर्च हो रही है। जैसे अभी बताएं कि हम बात कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज्ड होती है। अब देखिए इंटरनल रिस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रिस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे बच्चों जो हुआ था, ये इस प्रोसेस को, इस रिस्पिरेशन को बोला गया है इंटरनल, और आउट ऑफ लंग्स, मतलब आउट ऑफ सेल हुआ, सॉरी आउट ऑफ लंग्स हुआ, लंग्स के बाहर, मतलब सेल के बाहर हुआ, आउट ऑफ सेल हुआ, सेल के बाहर हुआ, यानी लंग्स में हुआ, एनवायरनमेंट के बीच में हुआ सारा। तो ये कौन सा हो गया, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ये एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है जिसमें कौन सा प्रोसेस होती है, मैकेनिकल प्रोसेस, लेकिन सेल के अंदर जो हो रही है, चेंजिंग आ रही है, तो ये कौन सी होती है, ये। और यहाँ पे सेल में यूनोडेट पढ़े होंगे आप लोग, सेल में क्या होता है, 9th क्लास में है, बहुत डीपली दिया गया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, जो चैप्टर दिया गया है फंडामेंटल यूनिट, उस चैप्टर में सेल है, और सेल में पूरा पूरी बातें दी गई है, माइटोकांडिया, गाल्जी बॉडी क्या होता है, सेल क्या है, सेंट्रल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे जहाँ सेल होता है वहाँ पे क्या होता है, माइटोकांडिया। तो कह रहा है कि इन
इंटरनल रिस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड आप सेल माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों? केमिकल प्रोसेस होती है। यहाँ पे कुछ क्या हुआ, चेंज हुआ ना, ऑक्सीडेशन हो गया, केमिकल प्रोसेस है। और इन दिस प्रोसेस एनर्जी सिंथिसाइज, इस प्रोसेस में क्या हो रही है, एनर्जी जो हो रही है सिंथिसिस हो रही है। इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी जो हो रही है यूटिलाइज हो रही है, खर्च हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। तो पहले आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर बात करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन कितने हैं, किस किस की हेल्प से हम ये काम करते हैं, मतलब कौन कौन से हैं जो पूरे सिस्टम को आगे चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हमने क्या बताया, इस प्रोसेस में क्या होती है, किस एनर्जी सिंथेसिस होती है, मतलब एनर्जी बनती है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग लेते क्या फूड में, ग्लूकोज लेते हैं, मतलब फूड लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, और ग्लूकोज लेते हैं और क्या साथ में ले रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा, तो एक एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको रेस करके मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पर, जो फार्मूला आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि हम लोग क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं और साथ में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या बनता है, अभी हमने देखा ऑक्सीजन लिया तो क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये कहाँ हो रही है, सेल के अंदर, मतलब माइटोकांड्रिया में। और माइटोकांड्रिया में 38 एटीपी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये फार्मूला देखिए एनसीईआरटी में जो दिया गया है, C6H12O6, मतलब ये है क्या, ग्लूकोज, ये रिएक्शन करती है 6O2 ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या बनाती है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, ये इतनी एनर्जी को रिलीज करती है। देखिए बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ग्लूकोज लेते हैं, और क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे सेल के अंदर, जब डाइजेशन, हम प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन में क्या हुआ था, फूड के मॉलिक्यूल एकदम से घुल गए थे, डाइजेस्ट हो गए थे, किसके पार्टिकल में, ग्लूकोज पार्टिकल में। और ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया था, एक एक सेल में, एजिमिलेशन जब पढ़े थे तो एक एक सेल में फूड की एनर्जी चली गई थी। अब फूड मतलब ग्लूकोज तो चला गया सेल में, साथ में अभी जब हम रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रिस्पिरेशन में हमने क्या देखा कि रिस्पिरेशन में हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिल रहा है तो ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और क्या रिलीज कर रहा है, ये वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है। जब भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वेपर रिलीज करेंगे, तो इसमें क्या होते हैं, वाटर भी तो होती है। आप फूंक के देखिए तेज़ी से, जब हम ऐसे करते हैं या किसी चीज़ पर, जैसे ठंडियों में शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और या चश्मा लगाए रहते हैं, आपने देखा होगा ग्लास, तो उसमें क्या होता है कि जब उसके सामने खड़े होते हैं तो माउथ से जो वेपर निकलती है, जो वास्प निकलती है, उस पर पूरा फॉग बन जाती है, धुआं धुआं जैसा जम जाता है। मतलब जो गैस हम एग्जिट कर रहे हैं, इसके साथ ये गैस ही नहीं, अकेली इसके साथ कौन है, वाटर भी है। तो यहाँ कौन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और क्या हो रहा है, वाटर, और एनर्जी भी रिलीज हो रही है, कितनी, 38 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ से देखा हमने बच्चों एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और इंटरनल रिस्पिरेशन के बारे में। आगे देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए जो ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो हेल्प कर रहे हैं इसके लिए, नोज, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन को टेक करते हैं कहाँ से लेते हैं, या तो माउथ से लेंगे या तो नोज से लेंगे, तो नोज हो गया फर्स्ट, नोज, नसल्स, कैविटी। नेक्स्ट फारिक्स, लेरिक्स, टैकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स, एल्वियोली, ये सारे आते हैं। मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम की ये क्या है, ऑर्गन है, जिससे, जैसे डाइजेशन पड़े थे तो डाइजेशन में क्या था, फूड जहाँ जहाँ से गया था ऐसे पूरा, तो वैसे ही ये है। डाइजेशन में क्या था, माउथ था, एसोफेगस था, पैनक्रियास था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें थी। तो वैसे यहाँ पर जो ऑर्गन है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, सांस जाने की जो नाल है, कैनाल है, वो कौन सी है, नोज़ है। नोज़ के बाद कौन सी है, फेरिक्स, लेरिक्स, टेकिया, ब्रोंकी, एल्वियोली, लंग्स, ये सब। एक बात बताना चाहूँगी, ये जो नोज, फेरिक्स और लेरिक्स होता है, ये बेटा बोला जाता है अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन, अपर होते हैं, और यहाँ से टेकिया, ब्रोंकी, लंग्स जो होते हैं ये लोअर होते हैं। ध्यान से सुनिए, ये लोअर होते हैं
और ये तीनों क्या होते हैं बच्चों, अपर होते हैं, अपर साइड। क्यों समझ में नहीं आ रहा होगा, नोज हो गई। नोज के बाद यहाँ से देखेंगे, अभी मैं बना के दिखा रही हूँ, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर फेरिक्स होता है, और एकदम यहाँ पर जो होता है इतने में, तब यहाँ पर जो होता है लेरिक्स होता है। तो ये इतना हो गया, ये अपर पार्ट में हो गए। बट जब बात करेंगे बच्चों ट्रेकिया, ब्रोंकी, एल्वियोली, तो ये सारे कहाँ होते हैं, ट्रेकिया तो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल में होता है यहाँ पर। तो ट्रेकिया, उसके नीचे क्या होता है ब्रोंकी, उसके नीचे क्या होता है एल्वियोली, लंग्स, ये सारी बॉडी के कहाँ होते हैं, लोअर पार्ट में होते हैं, हेड से नीचे होते हैं, और हेड में जो इतने पार्ट पे कनेक्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अपर आर्गन बोलते हैं। जो लो होते हैं, नीचे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लोअर बोलते हैं। हम इसको राइट कर रहे हैं, तो देख लीजिए क्या है ये, कैसे होते हैं। तो क्या बात कर रहे थे, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमें, हमने अभी क्या दिखाया, नोज होता है, फेरिक्स, लेरिस, ट्रेकिया, ब्रोंकी और एल्वियोली, लंग्स, ये सारे होते हैं बच्चों। इसमें हमने बात की थी कि क्या होते हैं, कुछ अपर होते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, लोअर। ये भी समझा दिया अपर कौन कौन से होते हैं और लोअर में कौन आते हैं। तो यहाँ देखिए पहले नोज, नोज इज अ पार्ट ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रे। ये क्या होता है, नोज जो होता है, अब भी समझाया था ना जस्ट, नोज क्या होता है, अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन का, अपर रिस्पायरेटरी आर्गन का ये क्या होता है, ट्रैक होता है, एक रास्ता होता है, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आउटर इन्वायरमेंट। जो क्या होता है, आउटर इन्वायरमेंट से क्या होता है, कनेक्ट होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे कनेक्ट है, हम लोग जब ऑक्सीजन को लेते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट से गैसों को लेते हैं, गैस को लेते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले कौन लेता है, नोज में ही तो जाता है, या तो माउथ या तो नोज, तो नोज में जाता है, नोज से तब आगे जाता है, यानी सबसे पहले जो पहला होता है वो कौन होता है, नोज होता है, जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है। तो यही चीज़ हमने लिखा बच्चों, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आउटर एनवायरनमेंट। जो आउटर एनवायरनमेंट से क्या होता है, बाहरी एनवायरनमेंट से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे, फेरिक्स। ये तीनों अभी क्या बताए थे, तीनों क्या होते हैं, आउटर होते हैं, अपर वाले होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, लोअर वाले होते हैं। तो इट इज़ द कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। ये जो फेरिक्स होता है, जब यहाँ से नोज से, नोज तो अकेला है, फूड तो यहाँ से लेंगे नहीं, केवल कौन जाएगा, ऑक्सीजन, ये अंदर चली गई। लेकिन जब फेरिक्स की बात कर रहे हैं, तो फेरिक्स क्या है, कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, यहाँ आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर। और ये रास्ता जो होता है, ये फूड, फूड को जाने के लिए और एयर को जाने के लिए, हवा को जाने के लिए एक ही रास्ता होता है। जैसे यहाँ देखिए, ऊपर से जब नोज से लेंगे तो ये हो गई सपोज नोज यहाँ पे, और नोज से ये रास्ता, और यहीं पर क्या बने होंगे ऐसे माउथ, यानी ये नोज है और ये क्या है, माउथ। तो यहाँ से कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, नोज से कौन आ गया, ऑक्सीजन, और माउथ से कौन आ रहा है, फूड। तो ये रास्ता क्या है, इन दोनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी और फूड के लिए, दो ये रास्ता क्या है, सेम है, मतलब एक ही है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ रही है और इधर से कौन आ रहा है, फूड भी आ रहा है। तो वही बोला जा रहा है, इट इज़ द कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। द लेंथ इज़ अबाउट 12 to 14 cm। ये इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट बात करेंगे लेरिक्स। इट इज़ कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसे क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। जो हमारी वॉइस को बाहर करने में, आवाज़ को निकालने में क्या होती है, हेल्पफुल होती है, हेल्प करती है वॉइस बॉक्स। यहाँ पे जिसको पता है, ऐसे गाँव गैर में कौवा बोलते हैं, आप यहाँ देखे होंगे, जब माउथ को शीशे के सामने खड़े होके जब देखेंगे तो पूरा ऐसे ओपन करेंगे अपर जा और लोअर जा को, तो यहाँ पे छोटा सा अपर जा में लटका हुआ ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर दिखता है, जिससे क्या बोलते हैं, लेरिक्स। तो इट इज़ कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसे क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस साउंड। ये क्या निकालती है, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को निकालने में हेल्प करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, आवाज़ को निकालती है, इसलिए ये क्या कहते हैं, लेरिक्स। नेक्स्ट है ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया जो आया, ये तो किसकी बात कर रहे थे, अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन थे, ये कहाँ के हो गए, लोअर। अपर का मतलब हेड पे, ये इतने गर्दन से ऊपर, नेक से ऊपर जो इतने पार्ट थे, ये अपर में आ गए। अपर में कौन कौन आया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नोज हो गया, फेरिक्स हो गया, और कौन हो गया, लेरिक्स हो गया। ये तीन पार्ट किस में आ गए, अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं। अब लोअर में कौन कौन से आएंगे, तो लोअर में यहाँ देखिए ट्रेकिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। इसे क्या कहा जाता है, विंड पाइप कहा जाता है। और द लेंथ इज़ अबाउट 10 to 15 cm। इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है, 10 से 15 cm की होती है। मैं स्ट्रक्चर में इसको समझा रही हूँ कि यहाँ तक ध्यान से सुनिए। अभी मैंने क्या कहा, ये नोज, नोज से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन,
माउथ, माउथ से क्या ले लिया फूड। तो ये पार्ट जो था ये फेरिक्स था, फेरिक्स मतलब यहाँ दोनों क्या हुए साथ साथ हो गए, कौन फूड एंड एयर। बट ट्रेकिया, ट्रेकिया में क्या होता बच्चों, ट्रेकिया में केवल एयर प्रेजेंट होती है, फूड नहीं होता। फूड के रास्ते जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में तुरंत ही बना के आपको समझा रही हूँ। आगे कह रहा ब्रोंकी, ट्रेकिया, अब यहाँ देखिए ट्रेकिया के बाद यहाँ ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के बाद ये मिडिल में होता है। ट्रेकिया कहाँ होता है, मिडिल, मिडिल पॉइंट होता है। ट्रेकिया के बाद कौन आएगा, ब्रोंकी। ये क्या है, ट्रेकिया इंटर इंटू लंग्स। ट्रेकिया कहाँ जाती है बच्चों, लंग्स में जाती है। और देन इट डिवाइडेड इंटू स्मॉल ब्रांचेस। पहले ऐसे ट्रेकिया आई ऐसे सीधे से, फिर ये क्या करती है लंग्स में चली गई इधर और उधर। और लंग्स हमारे कितने होते हैं, वन पेयर होता है, जानते होंगे ना, वन पेयर लंग्स होते हैं। कौन से, राइट लंग्स एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दो होते हैं। तो ये क्या करती है, पहले तो वन आती है, एक पाथवे होता है, एक ही रास्ता होता है, एक पाथ होता है। और फिर आने के बाद वो क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, एक इधर चला जाता है, एक इस साइड, मतलब एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड, दोनों साइड हो जाते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है, ट्रेकिया इंटर इंटू लंग्स देन इट डिवाइडेड इंटू स्मॉल ब्रांचेस। ट्रेकिया लंग्स में जाता है और स्मॉल ब्रांचेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट मतलब बढ़ जाता है, सेपरेट हो जाता है, व्हिच इज कॉल्ड ब्रोंकी, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, ब्रोंकी। अब यहाँ देखिए लंग्स, अभी मैंने बात की बच्चों लंग्स कितने होते हैं, दो, राइट लंग्स एंड लेफ्ट दो होते हैं। अब यहाँ जो लंग्स होता है, लंग्स में ऐसे डिवाइड होते हैं, लंग्स ऐसे बटे होते हैं, खंडयुक्त, उसमें सेगमेंट पाए जाते हैं, खंडन होता है इनका। अब कैसे होते हैं, जो राइट लंग्स होता है इनके पास दो सेगमेंट होते हैं, दो लूप्स होते हैं, लूप बोलेंगे, दो लूप्स होते हैं। और लेफ्ट में कितने होते हैं, थ्री लूप्स, इसके पास थ्री होते हैं और इनके पास कितने होते हैं, टू लूप्स होते हैं। अब इनको क्या बोलेंगे, सुपीरियर और इंटीरियर होते हैं, सुपीरियर लूप और इंटीरियर लूप, दो लूप प्रेजेंट होते हैं। मतलब राइट में, राइट लंग्स में दो होते हैं और लेफ्ट में कितने होते हैं, थ्री होते हैं। मतलब सुपीरियर होता है और मिडिल आ जाता है, बीच में, बीच वाले को क्या बोलते हैं, मिडिल। और तीसरा को क्या होता है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, तीन पार्ट होते हैं इसके। और इसके कितने होते हैं बच्चों, दो। जो स्ट्रक्चर से हम शो करने जा रहे हैं, मतलब इसको अच्छे से आप पढ़ते रहिए कि हो क्या रहा है, नोज हो गया, फेरिक्स हो गया, लेरिक्स, इसको बार बार याद रखेंगे। पीछे भी लिखा दिया, अपर, अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ये कौन होते हैं, लोअर रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं। और इन सब के हमने वर्क को देख लिए, काम को देख लिए कि ये सब काम कौन कौन से करते हैं। तो आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर की हेल्प से इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे। देखिए बच्चों, लंग्स, अभी हमने क्या कहा, लंग्स कितने होते हैं, दो, राइट एंड लेफ्ट। राइट में क्या होता है, इट डिवाइडेड इंटू टू लूप्स, इनके कितने लोब्स होते हैं, कितने सेगमेंट होते हैं, दो, कौन कौन से, सुपीरियर और इन्फीरियर, मतलब अपर वाला और नीचे वाला, सुपर ऊपर वाला और इन्फीरियर क्या होता है, नीचे वाला। लेकिन जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट में कितने होते हैं, थ्री होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, तीन इसके सेगमेंट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने पार्ट्स होते हैं, कितने लूप्स होते हैं। तो याद रखना, लेफ्ट में कितने होते हैं, थ्री, और राइट में कितने होते हैं, टू। अब देखिए स्ट्रक्चर की हेल्प से हम पूरी संरचना को एक बार देखते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, किस लूप की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये राइट साइड, तो इधर कितने होते हैं, इस तरफ जो होंगे थ्री होंगे, ये, और इस तरफ कितने होते हैं, बस ओनली टू। इधर क्या होते हैं, बस दो होते हैं, इधर कितने होते हैं, थ्री। देखेंगे इसको, इसका क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे सुपीरियर, और ये क्या है, इन्फीरियर, इन्फीरियर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे सुपीरियर। ये कौन सा हो गया बच्चों, मिडिल, मिडिल लूप हो गया। और ये कौन सा हो गया, इन्फीरियर, इन्फीरियर लूप। अब ध्यान से देखिए, किसकी बात कर रहे थे, ये अपर, जो अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन थे ये तो ऊपर ही हो गए। अब हम किसकी बात करेंगे, लोअर वाले की। लोअर वाले में सबसे पहले कौन आया था, याद कीजिए, कौन आया था, ट्रेकिया। यहाँ पे कौन आ गया था, ट्रेकिया, ट्रेकिया। फिर उसके बाद में किसका नाम लिया था हमने, ब्रोंकी का। और याद है आपको, अभी पीछे मैंने बताया कि ट्रेकिया क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ट्रेकिया इंटर इंटू लंग्स। ट्रेकिया क्या होता है, लंग्स में इंटर करता है, और इंटर करने के बाद
लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, ट्रेकिया जो होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू स्मॉल ब्रांचेस, मतलब ये छोटे छोटे ब्रांचेस में, छोटे स्मॉल ब्रांचेस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। किस साइड जाता है, एक क्या होता है, एक मूव कर जाता है राइट साइड और एक मूव कर जाता है लेफ्ट साइड, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ये होता है ब्रोंकी, ये ब्रोंकी हो गया, ये ब्रोंकी हो गया, और यहां से बच्चों ये क्या था, ये ट्रेकिया, ये नली। अब यहां देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, जब ऊपर पढ़े थे फेरिक्स में, तो फेरिक्स में क्या हुआ था, फूड और एयर दोनों का ये पाथ होता है, दोनों का रास्ता होता है, यानी वो अपर की बात कर रहे थे और ज़्यादा ऊपर की। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नोज, फिर माउथ, ये। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये मैं राइट कर देती हूँ, ये क्या है बच्चों, नोज, और ये पार्ट क्या बना दिया, ये ऐसे सपोज, ये क्या हो गया, माउथ, ये नोज हो गया और ये क्या हो गया, माउथ हो गया। नोज से कौन इंटर कर रहा है अंदर, ऑक्सीजन, माउथ से कौन आ रहा है, फूड। यहां पर इस पार्ट पे है, तो इस पार्ट पे ये क्या है, फेरिक्स, फेरिक्स हो गए। अब यहां से देखिए, और यहां पर आने के बाद यहां क्या हो गया, लेरिक्स हो गया, मतलब बकल कार्ड हो गया, वॉइस बॉक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब आता है ट्रेकिया, तो यहाँ जो होते हैं, यहाँ पे दो पाइप होती है, एक ट्रेकिया होता है और एक होता है आइसोफेगस, ट्रेकिया और आइसोफेगस। ट्रेकिया काम क्या करता है बच्चों, ट्रेकिया जो होता है ये एयर को ले जाता है, ट्रेकिया किसको ले जाता है, एयर को पास आउट करता है, एयर को आगे ले जाता है, और जो आइसोफेगस होता है, आइसोफेगस किसको ले जाता है बच्चों, फूड को, जो हम डाइजेशन में देख चुके हैं, मतलब इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप डाइजेशन पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, कोशिश ये कीजिए कि आप पीछे वाली वीडियो देख कर ही आगे पढ़ें, क्योंकि ये क्या है, लिंक बाय लिंक, एक कड़ी पढ़ेंगे तभी दूसरी कड़ी में क्या होगी, अच्छे से समझ में आएगी। तो क्या होता बच्चों, जब वहाँ आइसोफेगस में कौन जाता है, फूड, और यहाँ ट्रेकिया, ट्रेकिया से कौन आ गया, ये दोनों पास पास होते हैं ऐसे, देखिए मैं अलग दिखा रही हूँ, ये ऐसे, और यहाँ पर थोड़े से इतने पार्ट में ये हो गया, ये रास्ता बना होता किसका, ट्रेकिया का, और ये रास्ता हो जाता किसका, आइसोफेगस। अब ध्यान से सुनिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, जब खाना लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी फूड को खाते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, तो क्या होता है, वो बीच में ही फंस जाता है और हमें आने क्या लगती है, हिचकी आने लगती है। एक बात और देखिए, यहाँ से इसके नीचे, लंग्स के नीचे लगा होता है डायाफ्राम, ऐसे डेम शेप्ड का, डेम शेप होता है, डायाफ्राम लगा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। काम क्या करता है ये, अभी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ये क्या करता है, पुश करता है, ऐसे एक बार इनहलेशन करता है, एक्सहलेशन करता है, मतलब ऐसे बाहर होता है, फिर सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है, ये दो काम करता है। और एक मिनट, ऐसे डेम शेप होता है, ऐसे बना होता है, तो ये लंग्स को क्या करता है, ऊपर भी पुश करता है, ऊपर की तरफ ऐसे धक्का देता रहा, जैसे हम लोग अभी टॉकिंग कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हम बोल रहे हैं और बोल रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले भी रहे हैं और क्या एग्जिट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ से ये जा रही है बाहर, तो जा रही है, तो ये क्या करता है, ये दो काम कर रहा है, ऐसे ऊपर को जा रहा है। जब बच्चों ये डायाफ्राम ऊपर को जाएगा, ऐसे उठेगा, तो लंग्स भी थोड़ा सा ऊपर जंप करेगा, ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से CO2 क्या होती है, ट्रेकिया, और यहाँ से CO2 क्या होती है, एग्जिट हो जाती है बॉडी से। फिर ये क्या होता है, फिर नीचे आता है, ऐसे करता है ऊपर, फिर ऐसे नीचे, ऊपर नीचे ऐसे करता रहता है। यानी जब ऊपर जाता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आउट हो जाती है, बाहर हो जाती है, फिर ये तुरंत ही उसी टाइम पे उसी समय क्या होता है, नीचे आता है, और नीचे आता है तो इसके साथ जब ये नीचे आता है तो लंग्स स्प्रेड करता है, फैलता है, और जब लंग्स फैलता है तो उसके साथ में कौन आ जाता है, ऑक्सीजन। मतलब एक बार दो, एक बार क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर हो रहे हैं। किसके वर्क से, किसकी हेल्प से, कौन काम कर रहा है, डायाफ्राम, ये डायफ्राम काम कर रहा है। इसको अभी हम इसका चित्र अच्छे से बना देंगे, और जो है थंबनेल पे स्ट्रक्चर आ रहा होगा, ये क्या होए, लंग्स का स्ट्रक्चर बढ़िया अच्छे से आप अपनी कॉपी पे स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, स्ट्रक्चर को बनाएंगे,
और डायाफ्राम के साथ बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं, रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन क्या है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन या लॉन्ग शॉर्ट कुछ ना कुछ मिल जरूर जाता है। तो इसका जो है थंबनेल पे जो वीडियो आ रहा है इसका, इसको अच्छे से आप अपनी नोटबुक पर क्या करेंगे, बनाएंगे और इसकी अच्छे से स्टडी करेंगे। पूरे नाम याद हो ना हो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्या, इसको आराम से बता दिया, सुपेरियर हो गया, मिडिल हो गया, इन्फेरियर हो गया, यहाँ पे सुपेरियर हो गया और कौन हो गया, इन्फेरियर, और क्या बताया बच्चों, ये क्या हो गया, ट्रेकिया हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रेकिया जो ब्रांचेस ट्रेकिया की है, ट्रेकिया की ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं, तो इसकी ब्रांचेस को हम क्या बोल दें, ब्रोंकी। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे सिल्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फिश में होती है, मछलियों में सल्क एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर जुटी होती है, तो सेम वैसे लेयर होती है। देखिए यहाँ पे थोड़े भी मैं ड्रा कर रही हूँ, ऐसे ही होता है। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसके बीच में क्या होते हैं, एयर प्रेजेंट होती है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो आके ऐसे बीच में शिफ्ट हो जाती है, एक है फिर एक के ऊपर दूसरा, फिर एक के ऊपर तीसरा, ऐसे बना होता है। और जब एयर आती है वो क्या करती है, एक के बीच में, फिर दूसरे के बीच में, फिर तीसरे के बीच में, उसी में क्या होती है, तह के तह, मतलब पूरी लेयर बाई लेयर क्या होती है, इसी में सेट हो जाती है। कौन, ऑक्सीजन जो गैस हम ले रहे हैं, और इसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अब ये कहाँ से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, ले नहीं रहे हैं बच्चों, सेल के अंदर जो अभी प्रोसेस स्टार्टिंग में मैंने बताई कि सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस हुई थी, ऑक्सीडेशन हुआ था, क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया था, ब्लड में, ब्लड कहाँ आया, लंग्स में आ गया, सर्कुलेट करते हुए गया और फिर आ गया, तो जब यहाँ आया तो फिर यहाँ क्या आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बॉडी से आउट होगी, बॉडी से आउट किस प्रकार से होगी, जब डायफ्राम क्या करेगा, पुश करेगा इसको ऊपर, थोड़ा सा इसे जंप करवाएगा, ऊपर उठाएगा तब। तो ये जो पार्ट सल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली, एल्वियोली बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम पॉइंट पे आते हैं और बात क्या कर रहे थे, ट्रेकिया हो गया, आइसोफेगस हो गया, फूड, यहाँ से ऊपर की पॉइंट तो एक, ऊपर से पॉइंट एक है, कौन, फेरिक्स, यहाँ से फूड और एयर जो है दोनों साथ में आ रहे, ठीक है। आने के बाद यहाँ क्या हुआ, यहाँ से एपिग्लोटिस लगा होता बच्चों, इस पॉइंट को बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस लगा होता है। अब ये एपिग्लोटिस काम क्या करता है, ये जैसे क्या होता है, डोर होता है, दरवाज़ा, गेट, उसी प्रकार से वर्क करता है। जब फूड आता है, ध्यान से सुनिए, यहाँ से फूड के पार्टिकल्स आ रहे हैं, खाना आ रहा है, तो ये क्या करता है, एपिग्लोटिस इस रास्ते को क्या करता है, बैंड कर देता है, ट्रेकिया वाले को, विंड पाइप को, जो विंड पाइप होता है इसको क्या करेगा, क्लोज कर देता है। हाँ, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे क्लोज करेगा, फिर ओपन करेगा, क्लोज करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, ओपन करेगा, ऐसे करता है। और ये फूड के पार्टिकल्स जो होंगे कहाँ आ जाते हैं, आइसोफेगस, आइसोफेगस से ये जो होते हैं आगे बढ़ जाते हैं, और आइसोफेगस से ये पनक्रियाज वगैरह में, इंटेस्टाइन में यहाँ चले जाते हैं, जो डाइजेशन में था। लेकिन एपिग्लोटिस यहाँ देखिए, अब इसी रास्ते में, ये तो मैंने फूड की बात कर ली, यहाँ से बच्चों और क्या आ रहे थे, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहाँ आ जाती है, वो सीधा ट्रेकिया में आती है, विंड पाइप में, और यहाँ से ट्रेकिया से सीधा कहाँ जाती है, ब्रोंकी में, फिर लंग्स में आ जाती है, पूरे लंग्स में सेपरेट हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, और ये बेचारा एपिग्लोटिस जो होता है और सांस ले लेके खा रहे हैं, सपोज बात कर करके खा रहे हैं, मना किया जाता है ना कि खाते समय बात नहीं किया जाता, बोला जाता है कि खाते समय हमें बात नहीं करनी, लेकिन हम नहीं मानते, आदत से मजबूर होते हैं, नहीं मानते, बात करते रहते हैं, करते रहते हैं, या बोले या कुछ गाने लगे, तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, ये फूड के पार्टिकल आ रहे हैं और साथ में हम जब सांस ले रहे हैं, तेज़ी तेज़ी से बोल रहे हैं, तो कौन, तेज़ी से ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट हो रही है, वो जा रही है, तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो फूड भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, और ये बेचारा एपिग्लोटिस वर्क नहीं कर पाया, बहुत फास्ट प्रोसेस हो रही है ना, हम आ रहा, ऑक्सीजन जा भी रहा है, हम बोल रहे हैं, ऑक्सीजन देखिए जब नहीं बोलेंगे तो आराम आराम से धीरे धीरे सांस लेते रहते, लेकिन बोल रहे हैं तो वो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो क्या होगी, जंप कर करके तेज़ी के साथ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एपिग्लोटिस वर्क नहीं कर पाया, और इधर से गेट को बंद नहीं किया, जो गेट फूड आ रहा था तो गेट को बंद करना था, लेकिन ये बेचारा नहीं बंद कर पाया, और फूड के एक दो पार्टिकल, मतलब एक दो चावल या एक दो छोटे से स्ट्रेंथ में, छोटे से पार्ट में क्या होता, इधर आ गया, कहाँ पे, ट्रेकिया में,
और यहीं पे क्या होता है, वुड के पार्टिकल फंस गए और हमें क्या आने लगती है, कफ को खांसी जैसा होने लगता है, फिर पानी वगैरह हम पीते हैं उसके बाद में वो जाके फंसा रहता है, फिर जाकर निकलता है, होता है ना ऐसा, देखा होगा। तो ऐसा होता है तो बच्चों को किस कारण से होता है, उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहाँ होता है, ट्रेकिया और आइसोफेगस के बीच में होता है। ये इधर विंड पाइप को अलग कर देता है, फूड पाइप को अलग कर देता है, ये खाने वाली पाइप को, ये विंड पाइप को, दोनों पाइप यहाँ से सेपरेट हो जाती है। इधर क्या होता है, फूड चला जाता है और इधर क्या होता है, एपिग्लोटिस चला जाता है, सॉरी ऑक्सीजन चली जाती है। तो ये था, यहाँ ऑक्सीजन आई, यहाँ से फिर ऑक्सीजन अंदर आ गई, अंदर आने के बाद ब्रोंकी में गई, ब्रोंकी से फिर क्या होंगे, पूरे लंग्स में सेपरेट हो जाएंगे, पूरे लंग्स में फैल जाएंगे। अभी बताया ऑक्सीजन को कैसे बाहर करते हैं और कैसे अंदर करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें हिचकी क्यों आती है, कैसे होता, और इसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन क्या होता है और रिस्पिरेशन ब्रीथिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे बच्चों। तो आप अच्छे से इसकी नोट बनाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, नोट बना लीजिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।